एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें कि रायवंड में पकने वाली दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि इतवार के रोज दोपहर का खाना अब रिवायती नहीं रहा है। कई सालों से शरीफ खानदान की यही रवायत है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इकट्ठे खाना खाते हैं, लेकिन आज शहबाज शरीफ दोपहर के खाने के लिए रायवंड नहीं गए हैं। दोनों भाई एक ही शहर में मौजूद हैं लेकिन दूर दूर हैं। पिछले 6 रोज में दोनों भाइयों में एक भी मुलाकात नहीं हुई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा कोई मसरूफियात है शहबाज शरीफ साहब की जो वो आज रायवंड नहीं गए खाना खाने? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो है पुरसरार की खामोशी है, और आज नहीं बल्कि कल भी जो है उनकी शेड्यूल की एक मुलाकात थी और वो नहीं आ सकते थे जाती उम्रा, और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून के तर्जमान जो हैं डॉक्टर आसिफ करमानी, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था कि सभी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाला गुस्सा जाना था लेकिन शहबाज शरीफ की तबीयत खराब होने के बायस वो नहीं जा रहे। जबकि अगर हम इससे पहले की भी बात करें तो आज तकरीबन 6 से 7 रोज हो चले हैं वज़ीर आला पंजाब और सभी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान जो है कोई मुलाकात देखने को नहीं मिली। यकीनी तौर पर काफ़ी अरसे से जब से शरीफ खानदान सऊदीया से वापस आया था, इनके खानदान की एक रवायत थी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा जो कि जाती उम्रा फार्म हाउस में रहती हैं, उनके यहाँ हर इतवार को जो है एक जुराना जो है वो रखा जाता है और इस जुराने में शरीफ खानदान के जो अफराद हैं वो शिरकत करते हैं और ख़ासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब जो है वो जुराना भी करते हैं और मुल्क की मुजाह सूरत हाल और दीगर अमूर के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल भी किया जाता है। लेकिन आज जो है वो पुरसरार की खामोशी देखने को मिली है कि शरीफ खानदान के बाकी अफराद जो हैं वो तो इस जुराने में जरूर उन्होंने शिरकत की है लेकिन वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो जाती उम्रा जो रवायती खाना है जो उनकी वालदा की जानिब से रखा जाता है उसमें शरीक नहीं हो सके। अच्छा अली अकबर, ये बताइएगा इस बारे आपके पास क्या तफसीलात हैं कि शहबाज शरीफ खुद तो शरीक नहीं हुए हैं, उनके बच्चों में से उनके बेटों में से कोई शरीक था इस दोहराने में क्या? ये अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है जो शहबाज शरीफ के बच्चे हैं उनकी भी जो है कोई इतला नहीं आई कि आया उन्होंने कोई शिरकत की या नहीं की। लेकिन अगर हम बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उनके बच्चों की और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो जरूर आज जो है इस जुराने में शरीक हुए। साहबजादी जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वो भी शरीक हुई हैं और जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं जिसमें उनके 47 रिश्ते हैं वो भी आज इस जुराने में शरीक थे। जी अच्छा अली अकबर, ये भी बता दीजिएगा कि पिछले 6-7 दिन से आपने जैसे बताया कि मुलाकात दोनों भाइयों में नहीं हो पा रही है, तो शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी मॉडल टाउन रिहायशगाह पर कायम करते हैं आजकल या फिर जाती उम्रा जाते हैं? जी वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो मॉडल टाउन अपनी रिहायशगाह पर मौजूद है और जब से साबिक वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं सिर्फ एक ही जो है वो इजलास हुआ था जिस इजलास में तमाम जो वफाकी वज़रा हैं वो और वफाकी रहनुमा जो हैं वो शरीक थे। उसमें वज़ीर आला पंजाब और मियां हमजा शहबाज शरीफ ने जरूर शिरकत की लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो जाती उम्रा नहीं आ सके और उनकी जो है वो कोई मुलाकात जो है वो भी मंत्रियाम पर नहीं आई। अली अकबर, इस बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं कि वज़ीर आज़म ने जो अपने दौरे मनसूख किए जो जलसे करने थे और फिर वज़ीराबाद भी उन्होंने जाना था वो क्यों उन्होंने मनसूख किए और आगे के उनके क्या प्लान सामने आए हैं, कोई इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम ये कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो जाती उम्रा तक जो है महदूद करने की कोशिश की जा रही है तो ये गलत ना होगा क्योंकि कल जो दौरा था वो लाला मूसा जाना था, ये उस बच्चे के घर साबिक वज़ीर आज़म जाना चाह रहे थे जो इनकी जब ड्यूटी रोड से वापस आ रहे थे और इनकी गाड़ी के काफिले के चले आके वो बच्चा जो है वो जामबक हो गया था, उसके घर जाना चाह रहे थे और वज़ीराबाद में कानूनों से खिताब करना था और इस खिताब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, स्टेज सज चुके थे, कारकुनान जो है वो इस्तकबाल के लिए तैयार थे लेकिन ऐन वक्त में जो है वो जो है जराये के मुताबिक जो है साबिक वज़ीर आज़म को ये बताया गया कि उनको सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने अपडेट किया।